गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड बेटा। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूँ। बेटा, अब तक हमने प्लस वन की फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि आज बेटा हम उसका फिनिश करेंगे, आज उसको हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपको उसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते थे कि पिछले लेक्चर में हमने रेडियन, स्टे रेडियन, या हम ये कह दें कि बेटा जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने जो भी डेफिनेशन दी 1 किलोग्राम की, 1 मीटर की, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे इस चैप्टर में जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें दो टॉपिक बचते हैं। एक बचता है सिस्टम ऑफ यूनिट और एक आपका बचता है जिसका नाम है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, कि उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं आज जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें बहुत ही बातें समझने की है। अक्सर बहुत बारीकी से आपसे क्या है क्वेश्चन राइज कर देता है और हम उन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। आपको वो चीज़ें मिस ना करते हुए ऐसे ही चलाना है। देखिएगा, पहले हम बात कर लेते हैं जो पहला सिस्टम है CGS सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम इज CGS सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGS? CGS स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGS? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ इज द मेजर्ड इन सेंटीमीटर। एंड मास इज आल्सो मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज आल्सो मेजर्ड इन सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू CGS सिस्टम, दीज आर द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास एंड टाइम। इसके लिए हम क्या करते थे, लेंथ को हम किस में मेजर करते थे? सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करते थे? सेकंड में। ये जो आपकी CGS सिस्टम है, इसको हम अगर बात कर लें तो इसको हम क्या बोलते थे? आप कहेंगे सर गॉसियन सिस्टम के नाम से जानते हैं, गॉसियन सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ध्यान रखिएगा, दिस इज द गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट CGS। लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं दूसरे सिस्टम की जिसका नाम है FPS, तो FPS सिस्टम जो है उसके अंदर भी अब हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने फुट ले लिया, तो लेंथ इज मेजर्ड इन फुट। ध्यान रखिएगा, लेंथ इज मेजर्ड इन फुट। पी स्टैंड फॉर पाउंड, पी स्टैंड फॉर पाउंड। एंड द व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? मास इज मेजर्ड इन पाउंड। एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड, एंड सेकेंड इज आल्सो यूनिट ऑफ द टाइम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और इस सिस्टम में देखिए क्या क्या चेंज आया। अगर आपसे बात करें कि लेंथ इसमें सेंटीमीटर में मेजर करते थे, तो यहाँ पे लेंथ आप फुट में मेजर कर रहे हैं। मास को यहाँ पर ग्राम में ले रहे हैं, मास को यहाँ पर हम पाउंड में मेजर कर रहे हैं। टाइम को यहाँ पे सेकेंड में, यहाँ पे टाइम को सेकेंड में। तो यहाँ पे मास और लेंथ में वेरिएशन आया। अगर ऐसे बात करें FPS, तो बेटा ध्यान रखिएगा ये आपका जो है ब्रिटिश ने, तो ब्रिटिशियन सिस्टम बोलते हैं इसको, ब्रिटिशियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बहुत बारीकी से बात समझने की है कि किस सिस्टम कहाँ से इन्वेंट हुआ। तो ब्रिटिश सिस्टम ने कौन सा बनाया था? FPS, जहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी को इन यूनिट्सों में मेजरमेंट करते थे। ऐसे ही बात कर ले हम गॉसियन सिस्टम की, उसने दिया था CGS, और हम इन फिजिकल क्वांटिटी को इनमें मेजर करते थे।
ऐसे ही बेटा तीसरा सिस्टम था जिसको हम बोलते थे, क्या आप कहेंगे, थर्ड सिस्टम इज MKS। और MKS तो M स्टैंड फॉर मीटर, ध्यान रखिएगा M स्टैंड फॉर मीटर, एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे ही बेटा किलोग्राम, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, एंड सेकेंड इज द टाइम ऑफ, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम, हमारे पास ये तीन सिस्टम थे। इन सिस्टम में हमने इन फिजिकल क्वांटिटी के लिए इनको क्या किया, यूज़ किया। जैसे जैसे आपका टाइम बदलता गया, बीतता गया, स्पेंड हुआ, तो हमने क्या किया, इन सिस्टम को धीरे धीरे यूज़ करना कम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये बेटा बहुत ही स्मॉल यूनिट रखते थे, फुट और सेंटीमीटर देखा जाए और यहाँ पे मीटर देखा जाए। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मीटर से छोटा ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों यूनिट्स हैं, तो जब हम इन दोनों क्वांटिटी को इसमें कन्वर्ट करते थे, या इस क्वांटिटी का कन्वर्जन हम इन दोनों सिस्टम में करते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए बन जाता था। तो धीरे धीरे आपका जो CGS सिस्टम था या FPS सिस्टम था, वो धीरे धीरे आपका डेली लाइफ, या हम ये कह दें प्रैक्टिकल यूनिट से बाहर होता चला गया, बिकॉज ऑफ इनके साइज बहुत स्मॉल थे, या इनका जो कन्वर्जन था एक दूसरे में, वो कन्वर्ट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इसलिए हम इन दोनों सिस्टम को क्या कर दिए, चेंज कर दिया, इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया, और हम MKS सिस्टम को ही यूज़ करने लगे। तो अब देखते हैं कि हम लेंथ को जनरली मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। एक बात यहाँ पर समझने की ये है बेटा कि जो CGS है उसको हम गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं, FPS को हम ब्रिटिशियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो आपका CGS सिस्टम है वो, और बेटा जो आपका MKS है, इज आल्सो नोन एज, इसको हम किस नाम से जान रहे हैं, आप कहेंगे सर नोन एज मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सिस्टम विच फिजिकल या विच सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज मैट्रिक और डेसिमल, तो आपके पास दो नाम आएंगे, CGS एंड MKS। क्यों, बिकॉज, इसका रीजन भी दे देते हैं हम कि क्यों ऐसा जाना गया, बिकॉज पावर ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल आर इंक्लूडेड इन इट्स कन्वर्जन। ये आप बात ध्यान रखेंगे कि जब हम क्या करते थे बेटा, इन क्वांटिटी को आपस में कन्वर्जन करते थे, तो इनके जो मल्टीपल थे या सब मल्टीपल थे, हम उसको किस तरह से लिख सकते थे, पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 हमेशा, जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर है, या मैं कह दूँ 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो पावर ऑफ 10। तो 1 मीटर में अगर देखा जाए तो बेटा 100 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं ये देखूं कि मीटर है तो ये रहा मीटर, और बेटा सेंटीमीटर है तो यहाँ से उठाओ CGS का सेंटीमीटर, तो इसमें पावर ऑफ 10, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, 10 की पावर 2, और ये क्या है, सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेटा, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2। तो यहाँ पे जो मल्टीपल है या सब मल्टीपल है, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते थे पावर ऑफ 10 में, इसीलिए नाम पड़ा CGS और MKS सिस्टम का मैट्रिक और डेसिमल। ये बात ध्यान रहेगा, ओके। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, एक छोटी सी बात तो आपको बतानी है, फिर हम अपने मेन टॉपिक में चलते हैं। चलिए, एक बात यहाँ से छोटी सी समझने की ये है कि जैसे जैसे टाइम आपका आगे की तरफ बढ़ा, तो हमने MKS सिस्टम का ही एक बेटा बोल दे मॉडिफाइड फॉर्म, MKS सिस्टम की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म हमने इन्वेंट की, और उसका ही नाम था SI सिस्टम। तो अगर देखा जाए तो ये आगे चल के, तो देयर इज
फोर्थ टाइप ऑफ एसआई सिस्टम एंड एसआई इज स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल। ये आप ध्यान रखेंगे, ये किसका रूप है बेटा, एमकेएस सिस्टम का ही है। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है कि एसआई सिस्टम जो है एक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है इसका यूज़ किया गया। इसने जैसे हम बोल दें कि एसआई सिस्टम है तो बेटा ये पूरे वर्ल्ड के लिए यूजेस था, या मैं ये कह दूँ साइंस की कोई भी ब्रांच हो उस ब्रांच के लिए कौन सा सिस्टम एप्लीकेबल माना गया, एसआई सिस्टम। लेकिन आपसे ये कह दिया जाए भाई एमकेएस सिस्टम, तो एमकेएस सिस्टम फिजिक्स में कुछ ब्रांचेज के लिए था, और फिजिक्स की जो ब्रांच है तो हमने एक नाम पढ़ा था मैकेनिक्स। आप ध्यान से देखिए, तो जो मैकेनिक्स ब्रांच है उस मैकेनिक्स ब्रांच के लिए ही क्या सिस्टम लागू करेंगे हम, एमकेएस। लेकिन एसआई सिस्टम जो होता है बेटा इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस। ये मेन डिफरेंस रहा किसके बीच, एसआई और एमकेएस। साइंस की जितनी भी ब्रांच है उन सब में तो हमने कौन सा सिस्टम लागू किया, एसआई सिस्टम। लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं प्लस वन या प्लस टू की, तो उसमें प्लस वन में आएगा एक मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के लिए ही कौन सा सिस्टम एप्लीकेबल होगा, एमकेएस। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एमकेएस एंड द एसआई सिस्टम। अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ क्या कि एसआई सिस्टम में जैसे हम बोल देते हैं भाई एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट आप बताइए, तो आपका सीधा सा आंसर क्या होता है, एनर्जी की जो यूनिट है वो सिंपल क्या है, जूल। तो बेटा आप एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, या दूसरी टाइप्स ऑफ एनर्जी हो, सबकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। तो हमने एक को ही क्या किया, एब्सोल्यूट या पार्टिकुलर यूनिट का नाम दे दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे हीट की, तो बेटा हीट को हम कैलोरीज में भी माप देते हैं। ऐसे हम कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैसे बेटा आप बात करते हैं पावर के फॉर्म में, तो इसको हम वाट में मेजर कर देते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी की अलग अलग फॉर्म है, तो बेटा यूनिटें भी अलग हो गई, और जब यूनिट अलग अलग हो जाती है तो वो कौन से सिस्टम में आ जाती है, एमकेएस में। तो एमकेएस में हर एक यूनिट का या हर एक फॉर्म का अलग अलग क्या होगा, मेजरमेंट होगा। लेकिन जब एसआई फॉर्म की या एसआई सिस्टम की आप बात करते हैं, तो उसमें एक ही यूनिट का या एक ही फिजिकल क्वांटिटी का एक पार्टिकुलर या एब्सोल्यूट होगा। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द एसआई सिस्टम ओवर एमकेएस सिस्टम, ये आपका मेन यूज है। ठीक है, दूसरी बात ये, तो एक एडवांटेज समझ में आया। ऐसे ही अगर आप बात करना चाहें तो देखिएगा, दूसरी बात ये होती है कि जब हम एसआई सिस्टम को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो एसआई सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ही होता है कि आप इसमें जो ग्रेविटेशनल है या ग्रेविटी है अर्थ की, उसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी उसके यहाँ के अंदर हम ग्रेविटी को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे, और उस एक पार्टिकुलर या उस अकेले की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसके अंदर, इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम जो होता है बेटा उसके अंदर ग्रेविटी क्या है, कैलकुलेट नहीं की जाती। दूसरी बात ये कि हमने कहा कि एनर्जी की अलग अलग यूनिट है, लेकिन एसआई में एक है, तो बेटा इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, आप कहेंगे सर रेशनल। तो एसआई सिस्टम क्या है, अपने आप में एक रेशनल सिस्टम है। ऐसे इसमें हमने ग्रेविटी को क्या कर दिया बेटा, नेगलेक्ट कर दिया। ऐसे अगर आप बात करें कि एसआई सिस्टम के और क्या एडवांटेज हैं, तो देखिएगा एसआई सिस्टम जो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 आर इंक्लूडेड। या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कोरेंट होती है,
एसआई सिस्टम क्या होता है, कोहेरेंट सिस्टम है। इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि हम कहें कि ऑल ड्राइव्ड यूनिट्स यूनिट्स आर ऑब्टेंड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आप बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से कोई नई यूनिट, जिसको आप ड्राइव यूनिट कह सकते हैं, वो जब भी प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू शो ना करके, चाहे उसमें आपस में उसका डिवीज़न करें क्वांटिटीज़ का या उसका मल्टीप्लिकेशन करें, तो हम एक नई ड्राइव्ड यूनिट लिख सकते हैं जिसमें हमने किसी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 1, 2, 3, 4 का जिक्र नहीं किया। तो ये आगे चल के ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना ही समझे, रेशनल होता है, कोहेरेंट होता है, एब्सल्यूट। एब्सल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, आप कहेंगे सर एब्सल्यूट का मतलब यही होता है कि हम एब्सल्यूट के अंदर कोई एक ही यूनिट का नाम देते हैं। जैसे एसआई में हमने एनर्जी को क्या नाम दिया, जूल, तो ये कैसा है बेटा, एब्सल्यूट। ऐसे ही अगर एक बात करें एसआई सिस्टम क्या होता है, आपका सीधा सा आंसर है मैट्रिक सिस्टम होता है। मैट्रिक सिस्टम में आप क्या लिख कर सकते हैं, पावर ऑफ 10 का यूज़ करके एक दूसरी क्वांटिटी में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो एसआई सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं, पहला तो ये क्या है, एक रेशनल सिस्टम है। दूसरा क्या है बेटा, कोहेरेंट है। तीसरा क्या है, एब्सल्यूट है। और चौथा ऐसे ही क्या है, मैट्रिक है। और ऐसे ही बात करें कि इसके अंदर हम जब भी यूनिटों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो कोई भी ग्रेविटी को हम कंसिडर नहीं कर से, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द एसआई सिस्टम ओवर एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जैसे जैसे फॉर्म चेंज होगी, उसकी यूनिट से भी चेंज हो जाएगी, लेकिन एसआई सिस्टम एक ऐसा मॉडिफाइड फॉर्म था जिसमें क्वांटिटी एक ही रहेगी, लेकिन अब आप उसको क्या करें, फॉर्म भी चेंज करें तो भी उसकी यूनिट चेंज नहीं होगी। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ओवर एमकेएस सिस्टम। तो बेटा हमने धीरे धीरे किसको यूज़ करना स्टार्ट किया, एसआई सिस्टम। अगर एनर्जी है तो उसकी अब क्या है यूनिट, एसआई एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। अब एनर्जी की कोई भी फॉर्म आप ले लें, सबकी यूनिटी क्या रहेगी, जूल। लेकिन एमकेएस सिस्टम में हर बार उसकी फॉर्म बदलेगी तो उसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी। तो बेटा ये अपना एक टॉपिक था जिसका नाम था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या जाना गया, तो बेटा एफपीएस को हमने क्या कहा, एफपीएस को हमने नाम आता है ब्रिटिशियन। ऐसे ही हमने सीजीएस को क्या कहा, गोशियन। फिर सीजीएस और एमकेएस को हमने क्या नाम दिया, डेसिमल और मैट्रिक। और ऐसे ही हमने उनका इन्वर्जन या उसके एडवांटेज पढ़ लिए। अब बात अपने लास्ट टॉपिक की जिसका नाम है सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। इसमें हम जनरली यही देखेंगे कि हम मास को, लेंथ को या टाइम को जब मेजर करते हैं तो कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। देखिए पहली अगर मैं क्वांटिटी लूँ जिसका नाम है बेटा AU, तो AU का पहले तो पूरा नाम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में लार्ज डिस्टेंस हो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, AU का यूज करते हैं। सपोज कीजिए ये अपनी अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और ये अपना क्या है, सन। तो अर्थ और सन के बीच में, तो अर्थ का कोई ना कोई सेंटर है ये रहा, ऐसे ही सन का भी कोई ना कोई सेंटर है। तो
तो हम ये कह दें कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ओरिजन सेंटर ऑफ द सन, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम किस में मेजर करेंगे, AU। तो ध्यान रखिएगा व्हाट इज द AU, आप कहेंगे सर इट इज लार्जेस्ट या लार्ज डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ AU। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आप ध्यान रखिएगा 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AU, या वी कैन से दैट इट इज नियरली इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AU, तो आप लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी अर्थ का जो सेंटर है वहाँ से लेकर सन के जो सेंटर है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेज़र करते हैं, और एक AU का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर भी बोल सकते हैं। इसी का बी पार्ट अगर देखें तो एक आता है जिसका नाम है लाइट ईयर, तो लाइट ईयर इज आल्सो मेजरमेंट यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस, AU इज द आल्सो मेजरमेंट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, तो आप कहेंगे लाइट ईयर, तो ध्यान रखिएगा लाइट ईयर इसका सिंबल कैपिटल में है AU, इसका स्मॉल में, तो आप क्या लिखेंगे इट इज डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है विच इज कवर्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, इन ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर या 1 ईयर के अंदर लाइट वैक्यूम में कितना दूर चल के गई उसको हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। तो बेटा हम जानते हैं क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, तो जाहिर सी बात है आपके पास वैल्यू है ही, दैट इज सी इज इक्वल्स टू 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, और इन 1 ईयर तो एक साल में कितने दिन हो गए 365, फिर हम उसको एक दिन में एक दिन और रात में कितने घंटे हो गए 24 आवर्स, एक आवर में कितने मिनट हो गए 60 मिनट, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, तो बेटा 1 लाइट ईयर जो है वो कितने के बराबर होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे हम बात करें कि एक साल में कितने दिन 365, ऐसे ही बात करें कि एक दिन और रात में कितने घंटे 24, एक घंटे में कितनी मिनट 60, और एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो ये आपका क्या हो गया बेटा लाइट ईयर, ये क्या हो गया आपका लाइट ईयर। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। तो बेटा 1 लाइट ईयर कितना होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और आपका 1 AU कितने के बराबर होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो AU और लाइट ईयर क्या है, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ लेंथ है, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना हो तो हम इन प्रैक्टिकल यूनिट्स का हम यूज करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप, ठीक है बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे। तो AU और लाइट ईयर समझ में आया, तीसरी बात कर लेते हैं सी की,
तो जो तीसरा है उसका नाम होता है पारसेक सेकंड, या आप उसको पार सेकंड के नाम से भी जान सकते हैं। तो बेटा सी पार्ट अगर देखें तो उसका नाम है पार सेकंड, या आप सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, पार सेक। ठीक है, पार सेक सेकंड। ध्यान से समझिए, पार सेकेंड भी एक यूनिट है मेजरमेंट किसकी, लेंथ की। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि पार सेकेंड क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज रेडियस ऑफ सर्कल एट विच आर्क ऑफ सर्कल इज लॉन्ग अबाउट 1 AU, सबस्टेंस एन एंगल थीटा ऑफ 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड का मैं सिंबल लिख रहा हूं 1 सेकेंड। ऐसे दो आ जाए तो सेकेंड, एक आ जाए तो मिनट। 1 सेकेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल। इस बात को अभी हम डायग्राम से समझेंगे। कहने का मतलब है कि पार सेकेंड एक रेडियस है बेटा एक सर्कल की, जो एक आर्क से बनेगी, और उस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1 AU। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू हमें पता है। और एक एंगल बनेगा कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का, और वो कितना होगा, 1 सेकेंड होगा, और कहाँ पर होगा, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, या सॉरी सर्कल। अगर इसकी हम बात कर लें डायग्राम से तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझिएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओ नाम दे दिया। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, और मैंने पार सेकेंड को ही क्या मानना है, रेडियस। तो मैं रेडियस को क्या लिख लिख सकता हूँ, 1 पार सेकेंड लिख सकता हूँ। यहाँ से हमने ऐसे प्रकार को रख के एक आर्क लगाई, तो सपोज कीजिए बेटा ये आपकी एक आर्क है, तो इस आर्क है, तो आर्क एक तरह से क्या है, ये लेंथ ही तो है, और इस लेंथ की जो यूनिट है वो कितनी है, तो आप जानते ही हैं 1 AU। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AU, 1.5 × 10^11 m, यस और नोट। और यहां से भी देखें तो बेटा ये भी अपने आप में क्या एक रेडियस ही तो है, हाँ या ना। तो एक एंगल बन गया दैट इज थीटा, और थीटा कितने डिग्री का है, तो बेटा आप 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, सेकेंड। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड को मिनट में, फिर मिनट को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। ये बात बहुत ज्यादा समझने की है। तो यहां से हम टॉपिक चला रहे हैं, क्या आर्क कितनी है बेटा, तो आर्क को हम लेंथ बोल रहे हैं, और वो लेंथ कितनी है, 1 AU। उसकी वैल्यू है एग्जैक्ट तो होती है 1.496 × 10^11 m, या आप कितना नियरली लिख सकते हैं, 1.5 × 10^11 m, यस और नॉट। दूसरी बात देखिए, रेडियस तो निकालनी है, हाँ थीटा कितना है, थीटा इज द एंगल, तो एंगल है बेटा थीटा डिग्री, ओके, और वो कितना है, 1 सेकेंड। और बेटा 1 सेकेंड को 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, 1 सेकेंड। तो ध्यान रखिए 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं बेटा, आप कहेंगे 1/60 मिनट हो गए, हाँ या ना। और बेटा इसको आवर में देख के तो 1/60, तो ऐसे ही अगर आगे चल के लिख के तो 1/60 × 60, लेकिन अब ये जैसे ही ख़त्म होगा तो ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे डिग्री। तो हम इसको बेटा प्रैक्टिकली लिखना चाहें तो 1 डिग्री, ये किसका साइन है, डिग्री का, 1 डिग्री/60 × 60, यस और नोट। तो चाहे आप ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों ही सही है। एक बात ध्यान से सुन लें बेटा, 180 डिग्री को
को हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम ये कहें कि 180 डिग्री वो हमेशा कितने के बराबर होगा, पाई रेडियन। तो पाई का मतलब भी क्या है बेटा, 180, और एंगल है तो एंगल को किस में मेजर कर रहे हैं, रेडियन में। तो 180 डिग्री कितने के बराबर होगा, पाई रेडियन के। तो बेटा एक डिग्री कितने के बराबर हुआ, पाई अपॉन 180, और ये क्या हो गया, रेडियन। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसमें, एक डिग्री के अंदर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कर दीजिए पुट। तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा ओवरऑल रिजल्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, तो 1/60 × 60, और बेटा एक डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 180 रेडियन। यस और नॉट। तो बेटा एक सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 1 सेकंड की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 सेकंड की वैल्यू आ गई ये, और ये सेकंड जो था इसकी वैल्यू तो ये थी बेटा 1 सेकंड की, तो ये पूरा क्या बन गया, 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड है। अगर अब आपको क्या निकालना है, पारसेक, तो एक पारसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक पारसेक क्या होता है बेटा, 1 AU, और एंगल कितना था, थीटा डिग्री, और थीटा 1 सेकंड था, तो 1 सेकंड की वैल्यू है। तो 1 AU की वैल्यू है 1.496 × 10^11, और बेटा अभी हमने थीटा की वैल्यू निकाली है, ये रहा थीटा, और थीटा ही 1 सेकंड है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन ब्रैकेट लगा लीजिए 60 × 60 × 180, और ये किस में वैल्यू, रेडियन में। तो ओवरऑल एक पार सेकंड जो होगा बेटा वो लगभग कितने के बराबर होगा, 1 पार सेकंड = 3.084 × 10^10, कितना लिख सकते हैं आप, तो 16 मीटर लिख दीजिए, या मैं बेटा इसको अगर सोल्व करने के बाद देखे तो 1 पार सेकंड की वैल्यू 3.1 × 10^16 मीटर। तो बेटा एक पार से एक सेकंड में इतने मीटर होते हैं। अभी हमने एक लाइट ईयर और एक किसका निकाला, एस्ट्रोनॉमिकल का, एक बार इसको नोट कर लें। तो बेटा अभी हमने पारसेक को, हमने एस्ट्रोनॉमिकल को, और ऐसे ही हमने किसको कैलकुलेट किया, लाइट ईयर को। अब तीनों के बीच क्या रिलेशन है ये पढ़ लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन AU, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमी एंड पारसेकेंड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री मेजरमेंट्स। बेटा अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल को ज़रूरत पड़ जाए लाइट ईयर में कन्वर्ट करने की, या लाइट ईयर को ज़रूरत पड़ जाए पार सेकंड में, तो देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है। पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि 1 AU जो है बेटा वो 1.496 × 10^11 मीटर, या आप इसको अप्रोक्सीमेट 1.5 × 10^11 मीटर भी लिख सकते हैं। 1 लाइट ईयर जो है वो आपका 9.46 × 10^15 मीटर। सिमिलरली 1 पारसेक इज इक्वल्स टू तो कितना होता है, 3.1 × 10^16 मीटर। 1 पारसेक इज डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पारसेक, 1. ये लाइट ईयर की कितनी है, 10^15, और ये आपका है 3.1 × 10^16 मीटर। मीटर इज मीटर कैंसिल आउट। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो 1 पारसेकंड अपॉन 1 लाइट ईयर, तो ये लगभग कितना आएगा, आप कहेंगे 3.26। तो आप लिख सकते हैं कि एक पारसेक सेकंड जो है वो 3.26 लाइट ईयर के हमेशा इक्विवेलेंट होगा। ऐसी बात करें हम 1 लाइट ईयर अपॉन 1 AU,
तो आप क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ लाइट ईयर इज 19.46 इंटू 10 की पावर 15, यही है। ओके, ये हमने उल्टा लिख दिया, इसको पहले सही कर लें। लाइट ईयर नीचे आएगा ना, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15, और ये आपका 3.16 इंटू 10 की पावर 16। अब ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिखा एयू की वैल्यू, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर से ही वापस मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 लाइट ईयर जो है वो कितने के बराबर होगा। आप कहेंगे सर जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो 6.3, और ये यहाँ पे अभी 1 एयू है ही, और ऐसे ही इंटू में 10 की 11, तो 15 में से 11 गया तो 4, तो 1 लाइट ईयर कितने के बराबर हो जाएगा, 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एयू। तो अगर आप लाइट ईयर को एयू में कन्वर्ट करना चाहें या पारसेक को लाइट ईयर में, तो डायरेक्ट रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस रिलेशन से ये पता लग गया कि सबसे बड़ी जो मेजरमेंट यूनिट है डिस्टेंस की, वो क्या होती है, पारसेकेंड। पारसेकेंड से जो छोटी है वो हमेशा क्या होगी, लाइट ईयर, और लाइट ईयर से जो छोटी होती है वो क्या होगी, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप ये सीक्वेंस हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप किसी भी यूनिट को इंटरचेंज करते हैं तो ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा, किसकी वैल्यू कितनी होती है ये याद रखिए। समझ में आया बेटा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हम सारी क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर करने की जो यूनिटें हैं, पार सेकेंड, एस्ट्रोनॉमिकल, इस तरह से। अब बात करते हैं हम ऐसे ही सेकेंड पार्ट की, जिसका नाम है मेजरमेंट यूनिट ऑफ, मेजरमेंट यूनिट ऑफ सम यूजफुल यूनिट ऑफ लेंथ। इसी में और देख लेते हैं आगे को क्या कुछ है। एक इंच आपने नाम सुना होगा, एक इंच का, तो एक इंच में बेटा 0.0254 मीटर है। एक इंच में कितने मीटर होते हैं, 0.0254 मीटर। ऐसे ही बेटा एक इंच के बाद अगर देखें, एक मील आपने सुना होगा, तो एक मील में बेटा 1760 गज होते हैं, ठीक है। एक मील में कितने, 1760 क्या होंगे, गज। और बेटा अगर एक मील में मीटर देखा जाए तो हम कहेंगे 1600 मीटर होते हैं, या किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो बेटा 1.6 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक फुट की आप बात करते हैं, है ना, डेली लाइफ में प्रैक्टिकल यूनिट्स है, तो बेटा 0.03048 मीटर। एक फुट में कितने होते हैं, 0.0 नहीं, ये आपका बेटा 0. अब ठीक है, 0.3048 मीटर। तो ये आपके कुछ हैं दूसरी यूनिट्स। एक बेटा एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम जो होता है बेटा वो आपके 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो ये कुछ आपकी दूसरी यूजफुल यूनिट्स है जो डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं। मील जो वर्ड है वो इंडियन आर्मी ज़्यादा यूज़ करती है, सेनाएँ ज़्यादा यूज़ करती है। आप उसमें पढ़ते हैं कि हमें 2 मील जाना है, 3 मील, तो 2 या 3 मील का मतलब होता है 1600 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, वो आ जाएगा। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की, मेजरमेंट यूनिट ऑफ मास, मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ मास। तो मास को हम किस किस में मेजर कर लेते हैं, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। तो देखिएगा, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास क्या होगी, तो आप कहेंगे इज चंद्रा, शेखर लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको सी एस एल,
क्या बोल सकते हैं, सी एस एल चंद्रा शेखर लिमिट। और बेटा 1 CSL की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। हमारे सन का जो मास है उसका कितना टाइम्स होता है, आप कहेंगे 1.4 टाइम्स। तो अब ज़रूरत आ जाती है कि मास ऑफ सन कितना है, तो ध्यान रखिएगा मास ऑफ सन इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो मास ऑफ सन का मतलब है 1.98 × 10³³ किलोग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ सन, और इसका 1.4 टाइम्स करें तो वो सी एस एल के बराबर होगा। ऐसे ही बेटा और क्या हो सकता है, आप कहेंगे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, बहुत छोटी कौन सी है, तो देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU का नाम सुना है आपने, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और आप 1 U लिख सकते हैं, ये आपका 1.67 × 10²⁻²⁷ किलोग्राम के बराबर होता है। एक होता है कैरेट जो कि गोल्ड की प्योरिटी को मापता है, और 1 कैरेट में बेटा 200 मिलीग्राम्स होते हैं। अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अदर यूनिट्स में नाम किस किस का आ जाता है, तो आप कैसे कहेंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा एक क्विंटल, है ना, क्विंटल। जब भी हम जैसे फसलों में तूड़ा या हम ये बात कर दे कि भाई तोलते हैं तो किस तरह से क्विंटल, तो एक क्विंटल आटा वगैरह गेहूं खरीदने हो, सरसों बेचनी हो, तो एक क्विंटल में लगभग 100 किलोग्राम्स होते हैं। और बेटा एक टन का नाम सुना होगा आपने, और टन के लिए दूसरा वर्ड एक मैट्रिक टन भी आप बोल सकते हैं, तो एक टन या एक मैट्रिक टन में 10³ किलोग्राम, या आप इसको 1000 किलोग्राम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए और बताइए तो और भी लिख सकते हैं, जैसे एक स्लग, तो स्लग भी किसकी यूनिट है, मास की, और एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं, 14.57 किलोग्राम। एक LB या बेटा आप इसको पाउंड बोल सकते हैं, और एक पाउंड में 0.4537 किलोग्राम होते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स टू मेजर द मास, व्हाट इज द CSL, अगेन कैरेट, AMU, टन, क्विंटल, स्लग और आपका पाउंड, ये आपकी मेजरमेंट यूनिट है किसकी, मास की। आई होप आप समझ रहे होंगे बेटा। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं हम, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम बच चुका है, तो टाइम की यूनिट और देख लेते हैं क्या क्या हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं शेक, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, तो आप कहेंगे शेक। और एक शेक जो है बेटा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁸ सेकेंड। एक शेक में कितने सेकेंड होते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड। ऐसी बेटा दूसरी यूनिट की आप बात करें, जैसे आप बोल देते हैं सोलर डे, ऐसे ही बेटा सोडेरियल डे, और ऐसे ही होती है बेटा सोलर ईयर। ये तीनों ही किसकी यूनिट है, और एक होता है बेटा लूनर मंथ। अभी इनको डिफाइन कर देते हैं। सोलर डे क्या होता है बेटा, आप कहेंगे टाइम टेकन बाय अर्थ
टू कंप्लीट वन रोटेशन। Around sun in its orbit। अपने orbit में sun के चारों तरफ एक rotation को complete करने में जो earth time लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? Solar day। So real day की बात करें तो वो ही है time taken by earth to complete one rotation on its axis around या मैं कह दूं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड स्टार, एक फिक्स स्टार के रिस्पेक्ट मानते हुए जब अर्थ अपना एक कंप्लीट रोटेशन करती है तो सोडेरियल डे। सोलर ईयर में क्या है बेटा? वही है टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है बेटा, वन रिवोल्यूशन अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वन रिवोल्यूशन, यह इन सब में क्या लिखा होगा? वन रोटेशन। यहाँ पे एक चक्र, एक पूरा चक्र है, ठीक है। और लूनर मंथ में क्या है? टाइम टेकन बाई मून, यहां पे मून है, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। तो बेटा ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब मून अपना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अर्थ के अराउंड लगाता है तो लूनर मंथ होगा। सोलर ईयर में बेटा आपका एक कंप्लीट रिवोल, इसमें वन रोटेशन। अब ये मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ कि एक सोलर ईयर, तो आप इसको जर्नली ईयर भी बोल सकते हैं, एक ईयर या एक सोलर ईयर। तो बेटा ये 365.25 डेज होते हैं। और जब हम बात करते हैं एक सेडेरियल, इसको आप सेडेरियल लिख लें, एक सेडेरियल डेज में या ईयर में, तो एक सेडेरियल ईयर जो है बेटा वो कितने के बराबर होता है? एक दिन बढ़ा लेंगे 25 डेज। और अगर आपसे पूछता है कि लूनर मंथ, तो एक लूनर मंथ जो है वो आपका कितने दिन के बराबर होता है? 27.3 डेज। मतलब जो मून है वो अपना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अर्थ के कितनी देर में पूरा करता है? 27.3 डेज में। यहाँ पे ये तो बेटा सोलर डे हो, सेडरियल डे हो, सोलर ईयर हो, लूनर मंथ हो, शेक हो, दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द टाइम। ओके, आई होप आप समझ में आए होंगे ये सारी चीज़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं कि भाई ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, इसका मतलब कितना है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है। और अक्सर हम चीज़ों को निकाल पाने या ना पढ़ने की वजह से मिस कर जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप पूरी मेहनत करेंगे, टाइम लगेगा, देखो बड़ी चीज़ों को होने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो होती है तो आप बहुत ही अच्छे उस मुकाम पर होते हैं, अच्छा स्टेप होता है आपके पास किसी भी चीज़ को सोल्व करने का। एक हम लास्ट बात और कर लेते हैं जिसका नाम है पावर ऑफ टेंस।
एक तरफ है बेटा उसके प्रीफिक्स और एक तरफ है उसके नेम। देखते हैं कि 10 की पावर को आप क्या कुछ लिख सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं 10 की पावर -1, इसको आप बोलते हैं डेसी, और बेटा इसका सिंबल होगा डी। 10 की पावर -2 सेंटी बोलेंगे इसको, और इसका सिंबल हो गया सी। 10 की पावर -3 इसको आप मिली बोलेंगे, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। 10 की पावर -6 है आप इसको माइक्रो बोलेंगे, म्यू से इसको डिनोट करेंगे म्यू। 10 की पावर -9 है इसको आप नैनो बोलेंगे, इससे शो करेंगे। 10 की पावर -10 अभी पीछे पढ़ा था हमने एंगस्ट्रम, इसको हम इस तरह से नोट करेंगे। 10 की पावर -12 है तो -12 के लिए आप क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर 10 की पावर -12 के लिए आप पीको, स्मॉल पी से। 10 की पावर -15 इसको आप फर्मी, और आप दूसरा नाम इसको फेमटो दे सकते हैं, फर्मी या फेमटो, स्मॉल एफ से। 10 की पावर -18 इसको आप एटो से लिखेंगे, स्मॉल ए। एक तरफ आप देख लेते हैं प्लस में पावर, तो 10 की पावर अगर +1 हो तो इसको हम डेका बोलते हैं बेटा, और इसका डी ए। 10 की पावर अगर 2 है हेक्टो बोलेंगे इसको, एच से शो करेंगे आप। 10 की पावर अगर 3 है इसको आप किलो लिखेंगे, के से शो करेंगे। 10 की पावर आपका 6 है मेगा लिखेंगे इसको, एम से शो करेंगे। यहाँ पे स्मॉल एम है, यहाँ पे कैपिटल है, ये सिंबल याद रखिएगा। 10 की पावर आपका 9 है इसको आप गीगा, और इसको कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। 10 की पावर आपका 12 है टेरा से डिनोट करेंगे, टी से। 10 की पावर यहाँ पे है 15 इसको आप पेटा से। 10 की पावर 18 है इसको आप किससे करेंगे, एग्जा, और इसके लिए सिंबल क्या आ जाएगा, ए। तो बेटा ये नेगेटिव पावर्स थी, ये हमारी क्या है पॉजिटिव पावर्स हैं। एक बार आप इसको देख लें जल्दी से, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शाबाश बेटा, ठीक है, इतनी वैल्यूज बहुत है लेकिन आप फिर भी करते हैं। तो 10 की पावर जैसे -21 है तो बेटा इसको हम जीटो, स्मॉल जेड से। और 10 की पावर -24 है तो योटो, स्मॉल वाई से ही लिखेंगे योटो। ऐसे ही इसको हम कहें 10 की पावर कितना है, 10 की पावर बेटा 21 है तो इसको हम जीटा, स्मॉल जेड कैपिटल से, और 10 की पावर 24 है तो इसको हम योटा। तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्या है, वही है फिर से पावर ऑफ 10। ये क्या है बेटा प्रीफिक्स है वही, ये क्या है आपके नेम है। आई होप आप समझ गए होंगे। इनका यूज़ करने का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ हो और कुछ सिंबल के साथ हो, इन सिंबल के साथ या इनके साथ हो, तो आप उसका मीनिंग निकाल के उतने ही उस वैल्यू को उतने से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए कि मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई 0.25 मीटर है, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं आप, जीरो इस पॉइंट को हटाएं तो 25/100 हो सकता है या नहीं, यस और नोट, हो सकता है। 25/ इसको आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं मीटर, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो 25×10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब यही तो है,
या मैं कह दूं कि भाई ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको 3 और 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 6, मेगा, तो 3 मेगा, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो किसी छोटी क्वांटिटी को बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़े को वापस किस में कर सकते हैं, स्मॉल में या उसके सिंबल के अकॉर्डिंग। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा, इस चैप्टर में यही सारी बातें थी, हमने एक एक करके डिस्कस कर ली। बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए कहें। कोरोना है बेटा, थोड़ा सा बच के ज़रूर रहें, मामले बढ़ रहे हैं और सावधानी ही इसका उपचार है ना। और बाकी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, और सभी को बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से, सभी पढ़ने वाले को। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।